हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉट। बॉट मीन्स हो गया क्या, डिड हो गई हेल्पिंग बार। जो जूडविन थी ना, वो टेल मतलब बताती है, किसको बताती है, जित कलासा को बताती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बताती है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, डिड हो गई हेल्पिंग बार। सी मतलब उसने, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया की, टू इट मतलब इस पर, इस बात को सुनकर उसने कैसी प्रतिक्रिया की, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जो जुडविन थी ना, वो न्यू मतलब जानती थी, क्या जानती थी, तो लिखा है अ फ्यू वर्ड मतलब कुछ शब्द जानती थी, किसके, ऑफ इंग्लिश के। क्या लिखा हुआ है, जो जुडविन है ना, न्यू मतलब जानती थी, क्या बात जानती थी, लिखा है अ फ्यू वर्ड्स मतलब कुछ शब्द जानती थी, किस चीज के, ऑफ इंग्लिश के। इसलिए सी मतलब वह, टोल्ड मतलब बताती है, किसे बताती है, हर मतलब उसे, किसको, जित कलासा को बताती है, क्या बात बताती है, तो लिखा है दैट मतलब कि। सी मतलब उसने क्या किया है, ओवरहेड मतलब उसने सुना है, ओवरहेड मतलब होता है चोरी से सुनना होता है, चोरी चुपके से सुन लेना होता है, तो उसने चोरी से सुना है, किसको सुना है, द पेल फेस। पेल फेस मतलब होता है जिसका पीला चेहरा या बेकार चेहरा हो जाता है बोलते हैं, तो पेल फेस वाली वुमेन को सुना है, क्या करते हुए सुना है, टू टॉक मतलब बात करते हुए सुना है। अब वो बात तो कर रही थी, किसकी बात कर रही थी, तो लिखा है अबाउट मतलब के बारे में, काय के बारे में, कटिंग मतलब काटने के बारे में, क्या काटने के बारे में बात कर रही थी, तो लिखा है देयर मतलब उनके लॉन्ग एंड हैवी हेयर को काटने के बारे में बात कर रही थी, इस बारे में उसने सुना है। क्या लिखा है, सी टोल्ड हर, वह उसको बताती है, क्या बताती है, दैट मतलब कि सी हैड ओवरहेयर, उसने सुना है, किसको सुना है, वुमेन को सुना, मगर कौन सी वुमेन को, जिसका चेहरा कैसा था, पेल फेस था मतलब पीला पड़ गया था, उस वुमेन को उसने सुना है। अब क्या करते हुए सुना, तो लिखा है टू टॉक मतलब बात करते हुए सुना है। अब वो बात तो कर रही थी, किसकी बात कर रही थी, लिखा है अबाउट मतलब के बारे में, कटिंग मतलब काटने के बारे में बात कर रही थी, क्या काटने के बारे में, तो लिखा है देयर लॉन्ग मतलब उनके लॉन्ग और जो हैवी हेयर है ना, उनको काटने के बारे में बात कर रही थी, उसके बारे में उसने सुना है, यह बात उसको बताती है। पहले का आंसर हो गया है। अब सेकंड में उसका रिएक्शन पूछा था, रिएक्ट पूछा था, चलिए तो देख लेते हैं क्या लिखा है। जो जुडविन है ना, सैड मतलब कहती है, क्या कहती है, वी हैव टू सबमिट, हमको क्या करना पड़ेगा, सबमिट मतलब समर्पण करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दे मतलब वे लोग क्या हैं, आर स्ट्रांग हैं। क्या कहती है, सैड मतलब वह बताती है, कहती है वी हैव टू सबमिट, हमको क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, बिकॉज मतलब क्योंकि दे आर स्ट्रांग, वे लोग कैसे हैं, मजबूत है, ताकतवर है। लेकिन जो जित कलासा है ना, वो क्या करती है, रिबेल्ड मतलब विद्रोह कर देती है, और सी डिक्लेयर, उसने घोषणा कर दी, दैट मतलब कि क्या घोषणा कर दी, सी वुड नॉट सबमिट, वह क्या नहीं करेगी, समर्पण नहीं करेगी। जैसे ही इस बात को उसने सुना, जो जित कलासा है वो क्या करती है, रिबेल्ड मतलब विद्रोह कर देती है, और विद्रोह करने के बाद सी डिक्लेयर, वह घोषणा करती है, दैट मतलब कि क्या घोषणा करती है, सी वुड नॉट सबमिट, वह समर्पण नहीं करेगी, भाई तो क्या करेगी, तो लिखा है सी वुड स्ट्रगल करेगी, फर्स्ट मतलब सबसे पहले क्या करेगी, संघर्ष करेगी, ऐसा वह कहती है।